जनाब आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, उसके हवाले से डिस्कशन कर रहे थे साहब, हमें बता रहे थे कि स्टेमिना बिल्डिंग जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है। जो एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं उनका बेसिक थीम ही है कि उनको माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की इंटेंसिटी पे आपने फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करना होता है। एक पेशेंट जो घर में ही अपर लिम की मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकता है, ट्रंक की मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकता है, लोअर एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकता है, उसको सिंपल एक्सरसाइजेस, सिंपल मूवमेंट्स रिपीटेड पैटर्न्स में साइक्लिकल वे के अंदर आप उसने कंटिन्यू रखनी है और 30-45 मिनट्स तक आपने जॉइंट्स को मूवमेंट में रखना है। अगर जॉइंट्स मूव हो रहे हैं तो इट मीन मूवमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही है और वो एनर्जी जो है वो लाजमी बात है किसी फ्यूल के बर्न होने से उसको अवेलेबल हो रही है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एनर्जी जनरेशन का जो कि उसको स्टेमिना दे रहा होगा। और जो आपके पेशेंट्स हैं शुगर के जो कि आउटडोर जा सकते हैं, जो साइकिलिंग कर सकते हैं, जो वॉक कर सकते हैं और जो ज़रा माइल्ड टू मॉडरेट की लेवल से आगे चले जाते हैं, मॉडरेट टू इंटेंस जो उनका एक्सरसाइज का पैटर्न है अगर वो अवेल कर सकते हैं तो वो उनको रिलेटिवली ज्यादा स्टेमिना दे सकता है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम शुगर की बात करें तो डायबिटीज वो बीमारी है जो दीगर ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट डालती है, कौन कौन से ऑर्गन में डायबिटीज से इफेक्ट होता है? इसका सिंपल जवाब तो ये है बेटे कि सर से लेके पांव तक हर चीज सेल्स से बनी हुई है। बिल्कुल। और हर जगह के सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस डिफाइंड हैं। सो इट कैन अफेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर हेड टू टो। सो हम अगर दिमाग, कुछ असल में मसाइल पैदा होते हैं खून की छोटी नालियों की वजह से, उनमें जल्दी वो पैदा हो जाते हैं, आँखें हैं, गुर्दे हैं और इसी तरह से पाँव की नर्व्स जो बहुत दूर तक हैं तो खून की छोटी नालियों के मुतासर होने से वो हो जाती हैं। और अगर बड़ी नालियों की बात करें हम जो लेटर स्टेज में होती हैं तो उनमें आ जाते हैं कि दिल मुतासर हो जाता है या फालिज हो सकता है या यस किडनी, तो ऑब्वियसली वो माइक्रोवास्कुलर है ना। सो इसमें मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर आँखों का मुतासर होना, गुर्दों का या पाँव का मुतासर होना, ये माइक्रोवास्कुलर इंजरीज हैं, छोटी नालियाँ। और जो मैक्रोवास्कुलर हैं बड़ी नालियाँ, वो दिल और आपके असाबी निज़ाम है, इस तरह फालिज वगैरह है, वो इनसे हो सकता है। सो हेड टू टो एवरीथिंग, स्किन इन्वॉल्व हो सकती है आपके, यानी आँखें हैं, मुंह के अंदर, सर के ऊपर, हर चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है विद कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन उसका मुख्तलिफ स्टेजेस होंगी कि पहले कौन सी उमूमन होती है, फिर बाद में कौन सी होती है। अगर किसी को, अक्सर टाइप टू पेशेंट्स तो आते ही इसी तरह से क्योंकि डिजीज साइलेंट है। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक दफ़ा लतीफ़ा इसी तरह से सुनाया था। वो कहने लगे कि हमारे एक साहब का इंतकाल हुआ तो वो जब फरिश्ते हिसाब किताब ले चुके तो उनसे पूछा गया कि फरिश्तों से पूछा उन्होंने कि भाई मेरा इंतकाल क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं था, आपको शुगर थी और वो साइलेंट थी, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया था। सो कहने का मतलब ये कि डिजीज इज सो साइलेंट इन एसिम्प्टोमेटिक, लोगों को नहीं आइडिया होता कि उन्हें डायबिटीज और वो उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो पता चलता है कि उनको ये मसला हो गया। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे देखने वालों को? बेसिकली तो डायबिटीज़ डे के ऊपर जो फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैसेज है वो यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें, अगर आपको पार्क की सहूलत अवेलेबल है, जिम की सहूलत अवेलेबल है, वहाँ पर वर्जिश करें। अगर अवेलेबल नहीं है, घर के अंदर एरोबिक एक्सरसाइजेज प्लान करें, उनको अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट करें। वर्जिश एक ऐसी मेडिसन है जो कि जिस्म के तमाम ऑर्गन्स के अफाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रही होती है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको पोलीपिल का नाम दिया जाता है। सही। यानी कि एक ऐसी मेडिसन जो कि पूरी बॉडी के फंक्शंस को जो है वो बेहतर बना सकती है। तो इसकी अफादियत को समझें, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, अपने फिजिशियन से आप मशवरा लें और फिजियोथेरेपिस्ट से रابطہ करें जो कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज की एहतियाती तदाबीर भी गाइड करेगा,
उसका तरीका कार भी गाइड करेगा और उसका दरानिया भी गाइड करेगा। नैब इन एक्शन है, ये तो हम सबको ही पता है, लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट्स हम खोल रहे हैं या पता लग रहे हैं वो सब नैब के चक्करों में फंसे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज हमारे दोनों एक्सपर्ट रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें डिटेल्स बताएंगे। राहिल सैयद है हमारे साथ और शेख जैनुल आबिदीन हमें ज्वाइन करेंगे। दोनों को वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले राहिल आपकी खबर है, पहले हम इसको कर लेते हैं फिर शेख जैन की खबर पे आएंगे। चेयरमैन नैब जो है जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि 5,000 के काम पर 50,000 रुपए कैसे खर्च हो गए। राहिल हम तो हमेशा पूछते हैं कैसे खर्च हुए। आपको याद होगा हर प्रोग्राम में ये डिस्कस करते हैं कि एक प्रोग्राम जब एक प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके ऊपर 1 रुपए की कॉस्ट होती है, 100 रुपए खर्च किए जाते हैं, तो ये जो है सवाल उसके ऊपर उठता है। और जब उसके बाद नैब तहकीकात करती है तो फिर सारों का इस्तेकाक भी मजरू होता है। सियासतदान कहते हैं कि जी ये जमहूरियत खतरे में आ गई है, मुल्क खतरे में आ गया, पता नहीं एहतसाब क्यों हो रहा है, ये सियासी जो है विक्टिमाइजेशन हो रही है। बात यह कि जी क्योंकि शेख जैन भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भी सरकारी डिपार्टमेंट को डील करते हैं, तो जब एक प्रोजेक्ट है, जब प्रोजेक्ट पे 1 रुपया खर्च होने और आप बादशाह के तौर पे 100 रुपए शेख साहब आप खर्च करवा देंगे तो फिर कोई तो इदारा होगा जो आपको पूछेगा। और ये वो चेयरमैन नैब ने भी कल कहा कि जब हम ये सिर्फ ये पूछते हैं तो तमाम लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कि यार ये नैब अब कर क्या रहे और नैब ने क्यों तहकीकात शुरू कर दी है, ये तो जमहूरियत खतरे में आ गई है, सियासतदानों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, पीटीआई जो है हमारे साथ जो है वो जानबूझ के इस तरह की जो है वो कर रही है, जो हरकतें हैं जो सियासी तौर पे जो है हमें किया जा रहा है। लेकिन बात ये है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे लागत लाते हैं तो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है और फिर देखा ये जाता है कि 2 महीने बाद वही फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसमें जो 1 रुपये का खर्चा होता है वो 100 रुपये पर पहुँच जाता है और उसके बाद मंजूरी दे दी जाती है उस प्रोजेक्ट की कि अब आप ये करें। अब वो नैब ने जब तहकीकात की है, नैब ने बहुत सी चीज़ों को खोला है जब पंजाब कंपनीज में, तो बहुत से स्कैंडल सामने आए हैं कि यार इतने इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और उसमें इतने खतीर रकम खर्च की गई है कि अगर उस पर आप चेक एंड बैलेंस रखते तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी शेख साहब जो हम रोकी जा सकती हैं। लेकिन सूरत हाल क्योंकि ऐसी है कि अब जब चीज़ें सामने आई हैं, शवाहद सामने आए हैं, तो अब आपने देखा कि तमाम लोग जो हैं वो जो कोर्ट से हैं उनके पीछे जो है ना छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक है वो भी कोर्ट के पीछे गए हुए हैं, अलीम खान है उन्होंने भी कोर्ट की प्ली ली हुई है, उसके बाद अब हमजा शहबाज भी है वो भी कोर्ट के पास चले गए हैं जी नैब हमारे साथ ज्यादा करिए। अगर आपके पास शवाहिद हैं, अगर आप समझते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की, कोई करप्शन नहीं की, तो आप अपने तहकीकात में चीजें पेश कर देना, ये प्रोजेक्ट था, ये चीजें हमने ये है ही नहीं, हमने कुछ किया नहीं। अब आप कोर्ट में जाके स्टे लेते हैं, फिर आप आवाम को बेवकूफ बनाते हैं कि जी देखें हमारे साथ ज्यादा की जा रही है। यार अगर आपके साथ ज्यादा की जा रही है तो आप अपना केस लड़ लें, आप अदालत में जाके स्टे ऑर्डर ले आते हैं, इन्वेस्टिगेशन आप जो है ज्वाइन नहीं करते, जो वो सवालात पूछते हैं उसके आप जवाब नहीं देते, जो रिकॉर्ड मांगा जाता है वो आप पेश ही नहीं करते हैं। और फिर आप ये कहते हैं कि जी हमारे साथ जो है ना ज्यादती की जा रही है, सियासतदानों को निशाना बनाया जा रहा है। आपका इस्तेकाक मजरू होता है, जो लोग वोट देते हैं उनका इस्तेकाक मजरू नहीं होता, जो आप पे ट्रस्ट करके और हम जो आप लेकर आते हैं पे कर रहे होते हैं, आप हमारे पैसे इस तरह उड़ाते हैं जैसे आपके जाती पैसे। बिल्कुल। और जब कोई पूछता है तो फिर आप कहते हैं ये हमारा जो इस्तेकाक हो गया, ठीक होगा। शेख जैन पीएचए भी नैब की पहुंच से दूर नहीं है और पीएचए के भी बहुत बड़े अहम प्रोजेक्ट जो है नैब की जद में आ चुके हैं, इनका क्या मामला हुआ? शुक्रिया अर्मिला। जो जिस तरह चेयरमैन नैब ने बात की है कि जो 50 रुपए का प्रोजेक्ट होता है वो 500 या 5,000 या 5 लाख रुपए का हो जाता है, तो ये भी केस इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की खसूसी ख्वाहिश के ऊपर मंटो पार्क ग्रेटर इकबाल पार्क बना था, 2.5 अरब रुपया तारीख में पहली बार किसी पार्क के ऊपर 2.5 अरब रुपया लगाया गया था। और उस जब पाक की तमीर हो रही थी तब भी ये खबर मंजर आम पर आई थी कि वहां पर घोस्ट मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं। घोस्ट मुलाजमीन ऐसे मुलाजमीन जिनका ना तो कोई सतह जमीन के ऊपर कोई वजूद है, ना वो आसमान में है किसी जगह पर। अच्छा। बस उनके नाम की एंट्री है और 2.5 साल तक उनके नाम के ऊपर तनख्वाहें वसूल की जाती रही जो कि करोड़ों रुपये में बनती हैं। इस सिलसिले में ये एक इंक्वायरी भी हुई लेकिन उस वक्त क्योंकि शहबाज दौरे हुकूमत था तो उस इंक्वायरी का कुछ नहीं बना। अब ये गुज़िश्ता रोज़ नैब की तरफ से DGPHA को ये जो लेटर लिखा गया है ये खसूसी तौर पर ग्रेटर इकबाल पार्क, साबिक मंटो पार्क जिसको मनारे पाकिस्तान पार्क भी बोलते हैं हम, ये उस हवाले से है कि पार्क की तमीर के दौरान मुबैना तौर पर जो ये घोष्ट मुलाजमीन भर्ती किए गए, मनपसंद अफराद भर्ती किए गए और फिर उनके अकाउंट्स भी उस पैसों से सरकारी खजाने से भरे गए। और इसमें ये जो तमाम तर रिकॉर्ड है ये पीएचए से नैब ने 16 नवंबर तक तलब कर लिया और DGPHA को कहा है कि ये तमाम तर रिकॉर्ड लेकर आएं और वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी लेकर आएं जो कि ग्रेटर इकबाल पार्क की तमीर के दौरान बनाई गई थी, ताकि उस वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग होगी और जो उसका आउटकम आया होगा उसकी बेस के ऊपर भी नैब तहकीकात करेगा।
ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیلی ویجز ملازمین تھے جن کی تنخواہ 15,000 سے 20,000 روپے ہوگی. اس کے علاوہ بھی نیب گریٹر اقبال پاک میں ایک چیز کی انکوائری کر رہا ہے, وہ ہے ڈائریکٹر پی ایچ اے جو کہ اس وقت ڈائریکٹر تھے, پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے گریٹر اقبال پاک کے, عطر محمود ان کا نام ہے. نیب نے ان کی پرسنل فائل بھی منگوا لی ہے. الٹیمیٹلی جب کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کے اوپر تعمیراتی کام ہونا ہے تو وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی تمام تر سپرویژن کرے, کن لوگوں کو اس میں بھرتی کرنا ہے اور ان کو رکھنے کا کیا کرائیٹیریا ہوگا. تو اب ان کی بھی پرسنل فائل منگوا لی گئی ہے اور گریٹر اقبال پاک کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. اس سے پہلے دیکھیں تو جو چیزیں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے روٹ میں آتی ہیں ان سب کے اوپر انکوائری چل رہی ہے. جاتی امرا سے نکلیں رائیونڈ روڈ تو رائیونڈ روڈ کے اوپر بھی نیب کی انکوائری ہے. رائیونڈ روڈ سے آپ جا کے اورنج ٹرین کو مل جاتے ہیں تو اورنج ٹرین کے اوپر بھی نیب کی انکوائری ہے. اورنج ٹرین چوبرجی سے میٹرو بس کو مل جاتی ہے تو میٹرو بس کے اوپر بھی نیب ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے شیخ زین. اور میٹرو بس گریٹر اقبال پاک کے سامنے سے گزرتی ہے تو گریٹر اقبال پاک کو بھی انکوائری ہے. تو ان فیکٹ اگر دیکھا جائے تو سابق حکومت نے جتنے بھی میگا پروجیکٹس کیے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ابھی تک اس میں سے کوئی کرپشن سامنے نہیں آ رہی. الٹیمیٹلی کرپشن اس میں سے سامنے آ رہی ہے. نوازا گیا اپنی من پسند کمپنیوں کو, اپنے من پسند ٹھیکے داروں کو, 5 ٹھیکے داروں کے حوالے پورا لاہور کر دیا گیا اور 550 ارب روپے کے ان کو ٹھیکے دے دیے گئے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں 550 ارب روپے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کل ایک بزنس کمیونٹی نے چیئرمین نیب سے ملاقات کی اور انہوں نے انکشاف کیا کہ 80% جو ٹھیکے تھے وہ غیر ملکی کمپنیوں کو دیے گئے اور پاکستانی ٹھیکے داروں کو ٹھیکے نہیں دیا گیا. یہ بھی بہت بڑی ایک چیز ہے جو سامنے آئی تھی کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں جس نے آشانہ کا ٹھیکہ تھا اور صاف پانی کمپنی کا ٹھیکہ تھا وہ بھی یہ کہا گیا تھا کہ غیر ملکیوں کو دینا ہے, آپ نے خود نہیں کرنا. اور اسی طرح جس آپ کہہ رہے ہیں 5 پیارے جو تھے شہباز شریف صاحب کے دور میں وہ بھی سامنے آئے تھے اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں. دیکھیں رمیلا, جس طرح راحیل سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جو 20% ٹھیکے دیے گئے وہ 550 ارب روپے کے تھے تو اگر اس کو 100% میں کنورٹ کیا جائے تو وہ کتنی ہیوج اماؤنٹ بن جاتی ہے. اسی طرح گریٹر اقبال پاک بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سڑکوں کی الائنمنٹ کی گئی, نئے پودے لگائے گئے, ایک جھیل بنائے گی اور خرچ کتنا ہو گیا 2.5 ارب روپیہ. اور نیب اس کے اوپر بھی دوسرے مرحلے میں تحقیقات کر رہا ہے کہ کس طرح 2.5 ارب روپے صرف ایک پارک کے اوپر لگ گئے. ایک 2.5 ارب روپے میں آپ اگر اپنے محلے میں پارکس کی حالت دیکھیں تو وہ جانے کے قابل نہیں ہیں. وہ جو بینچ ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں, جو جھولے ہیں وہ اپنی حالت کھو بیٹھے ہیں, گھاس وہاں پر موجود نہیں ہے. صرف ایک گریٹر اقبال پارک پر 2.5 ارب روپیہ اور اس میں آپ نے من پسند افراد کو نواز دیا, اپنے جو گھروں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں. صرف ایک سیکشن میں 332 لوگ بھرتی ہوئے ہیں جو کہ گھوسٹ ہیں, جو اس وقت انکوائری ہوئی پورے پارک میں نہیں. ایک سیکشن میں 332 لوگ ہیں جنہوں نے کبھی گریٹر اقبال پارک خود آ کر نہیں دیکھا. کام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوں لیکن اس کے اوپر انکوائری, ان کو تنخواہیں ملتی رہی 2 مہینے 3 مہینے سال نہیں, یہ 2.5 سال تک تنخواہیں ملتی رہی ان کو اور 2.5 سال تک تنخواہیں ان کے اکاؤنٹ میں جاتی رہی ہیں. اور اسی لیے تو یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ یہ من پسند لوگ ہیں. یہ من پسند لوگوں کو نوازا جاتا ہے. یہ ارملا یہ لوگ نہیں ہوتے, یہ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ اپنے بندے ہائر کر کے دیتی ہیں. یہ بہت بڑا مافیا بھی ہوتا ہے, یہ ایک دو لوگوں کی کھیل نہیں ہوتا, پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہے, کوئی دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. وہ مل جل کر اتنی میگا کرپشن ہو جاتی ہے. یہ تو وہی ہے نا, وہ جو بڑی مزیدار سی کوٹیشن ہے, مالے مفت دلے بے رحم. وہ ٹھیکے دار کو پتا ہے کہ سرکاری خزانے سے آنے, کون سا کوئی کسی کی جیب سے دے رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں تو ارملا وہ ہم اپنی جیبوں سے دے. مجھے ادھر ایک بڑا مشہور ایک ہے محاورہ ہی ہے, جب تک جو ہے نا بیوقوف زندہ ہے نا ٹھگ بھوکے نہیں مر سکتے. اور ہماری قوم جو ہے نا بیوقوف ہے اجتماعی طور پہ, انفرادی طور پہ نہیں, اور یہ ٹھگ ہیں سارے, یہ ٹھگ ہیں سیاسی ٹھگ ہیں جو ہمیں لوٹے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا ان کے ہاتھوں لوٹ رہے ہیں. پتہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں پتہ بھی ہے سارے کرپٹ ہیں, اس کے باوجود بھی ہم انہیں ووٹ بھی دیتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ہمیں آ کے لوٹ لیں. ابھی بعد میں بیٹھ کے روتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ ہو گیا. ایٹ دا اینڈ کرپشن کے پیسے آپ نے ہم نے ہی پورے کر کے دینے ان سب کو, کسی اور نے کیا پورے کرنے ہیں. الٹیمیٹلی بات ہر دفعہ ارملا ہم یہی کہتے ہیں آپ کے پروگرام کی وساطت سے, لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے پیسے ہم نے پے کرنے ہیں, یہ کوئی سیاستدان اپنی جیب سے اس کو پے نہیں کر رہا.
और उस यही वजह महंगाई की सूरत में हम यही तो पूरा कर रहे हैं अल्टीमेटली, वो बोहरान अल्टीमेटली हमें फेस करने पड़ते हैं और आम आदमी मुतासिर हो रहा है। यस, आम आदमी की जिंदगी बहुत हद तक बहुत ज्यादा इससे मुतासिर हुई है ना, कि अब अगली जो हुकूमत आई है, जो तब्दीली सरकार आई है, उन्होंने आके भी यही कहा कि खजाना खाली है, तो हमारा क्या कसूर है, वो पिछले वाले खजाना खाली करके उनसे भी 700 अरब रुपया ले लें, लेकिन हमारी जिंदगी बिजली महंगी होती जा रही है। अब आप ये देखें, कल डियाल हाउस पे छापा मारा, डियाल हाउस 86 लोगों का है गांव, वहां पर छापा मारा गया, तमाम लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने बिजली चोरों की वो दुर्गत बनाई कि रेंजर्स को आना पड़ा। बिल्कुल, यानी कि लाहौर में ये सूरत हाल है, उनकी पुछ में कौन करे, 86 लोग बिजली चोरी हो रही है और अल्टीमेटली वो हम और आप देते हैं बिजली महंगी होने की सूरत में पैसे अदा करते हैं। चले अल्लाह करे नैब के शिकंजे में सब लोग आए और एहतसाब तो सबका हो रहा है और मजीद भी हो और हमें पता लगे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम कहते हैं कि साहब क्या बात है, क्या खिदमत कर दी, पीछे से जो लूट पड़ी हुई है वो हमें अभी देखने को मिल रही है। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया जनाब। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, सोशल इशू भी है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।